नमस्कार दोस्तों, दीप टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या अपने पीसी की ऑनलाइन स्पीड चेक कर सकते हैं इंटरनेट की। तो दोस्तों अपने इंटरनेट की स्पीड चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मैं दो तरीके बताऊंगा। अगर आप अपने पीसी या लैपटॉप में ऑनलाइन इंटरनेट की स्पीड चेक करना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट के बारे में बताएँगे, और आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक एप्लीकेशन के द्वारा अपनी इंटरनेट की स्पीड को चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को एक सुझाव दे देता हूं कि मैंने इस वीडियो पे 20 रुपये का पेटीएम कैश रखा है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और एक कमेंट करते तो आप जीत सकते हैं 20 रुपये का पेटीएम कैश। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी नई वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन या पीसी पर आपको इंटरनेट की स्पीड को चेक करा देता हूं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरे आसपास की एरिया की कितनी इंटरनेट की स्पीड है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको अपने पीसी या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र में स्पीड चेक करा देता हूं कि मेरे आसपास की जो इंटरनेट की स्पीड है वो कितनी है। तो दोस्तों आपको टाइप करना है सबसे पहले speedtest.net। तो दोस्तों speedtest.net को ओपन करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी या ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिससे आप अपने इंटरनेट की स्पीड को चेक कर पाएंगे आसपास की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो मेरे आसपास का जो वाईफाई है, जो मैंने वाईफाई कनेक्ट किया है किसी भाई का, तो मैं उसकी स्पीड चेक करा देता हूँ कि कितनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्वर है, यहाँ पे BSNL का जो वाईफाई है उसका आइकन या उसका नेम आ चुका है और यहाँ पे जो सर्वर को फाइंड कर रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे गो का ऑप्शन दिखाई देगा, गो के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सर्वर आ चुका है उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे स्पीड आएगी वो डाउनलोड की स्पीड को शो करेगा या आपको आपके सामने दिखाएगा या ओपन होगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे डाउनलोड की स्पीड है, यहाँ पे थोड़ी देर में आप देख सकते हैं जो स्पीड है यहाँ पे डाउनलोडिंग की लगभग 1 MB/s है, 3 MB/s स्पीड है यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो डाउनलोडिंग की स्पीड है काफ़ी अच्छी है, जिससे मैं कुछ यूट्यूब या कुछ एप्लीकेशंस को अच्छी स्पीड में डाउनलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब आप हम देखते हैं कि अपलोडिंग की क्या स्पीड है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपलोडिंग की स्पीड काफ़ी वीक है और काफ़ी डाउन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो अपनी वीडियो को उसको अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्पीड है लगभग 0.32 MB/s है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अपलोडिंग की स्पीड है काफ़ी स्लो है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें क्या स्पीड आती है हमारे जियो की। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना और वहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट बाय ओकला लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट को डाउनलोड कर लेना, जो मैंने पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उसे ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो आपका जियो का सर्वर है वो यहाँ पे या नेम है वो आ जाएगा और आपका जो सर्वर है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं जो डाउनलोड की काफ़ी ही अच्छी मात्रा में, ये काफ़ी ही अच्छी है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो 28 MB/s डाउनलोड की स्पीड है जिससे मैं यहाँ पे मूवी को अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो अपलोडिंग की स्पीड है वो काफ़ी 4 MB/s 4-5 MB/s स्पीड है, जिससे मैं यहाँ पे जो मूवी अब मेरी वीडियो या यूट्यूब की वीडियो उसको अच्छी तरह से अपलोड कर सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर डाउनलोड की जो स्पीड है जिससे मैं अच्छी तरह से अपनी वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आप इस तरह से हर एरिया में आप अपनी इंटरनेट स्पीड को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।